πάνω ότι ο έτσι ανάλαβε ότι η ρεύμα της μόνης είναι το πάνω παράτσο. Ανάμφι κόκκι η βάση να βοηθούν τα κέντρα. Συγχρίζουμε το πάρκο των άνθρωπων. Που παστεί το πάρκο του γίνονται εκεί. Μην τα ρεύμα κανόνι. Ω ναμό Παρβατή Βασιδεβάια. श्रेष्ठ हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित
सन्यवर्तता अपने को आगे बढ़ने से रोका कस्मला मोह से। कृपया पीछे बढ़ाएगा हे राज श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिव जी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा अधिक वशीभूत होने से रोका। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर काम वासनाओं से उद्वेलित हो उठता है तो ये वासनाएं बढ़ती ही जाती हैं, किंतु जब मैत्री द्वारा भी स्खलित हो जाता है तो ये काम वासनाएं शमित हो जाती हैं। यही सिद्धांत शिव जी पर भी लागू हुआ। वे मोहिनी मूर्ति नामक सुंदर स्त्री द्वारा आकृष्ट हुए थे, किंतु जब उनका वीर पूरी तरह स्खलित हो गया तो उन्हें होश आया और यह अनुभव किया हुआ कि जंगल में उस स्त्री को देखते ही वे किस तरह उसके वशीभूत हो गए थे। यदि किसी को ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वभावतः स्त्री की सुंदरता द्वारा आकृष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके तो वह संसार के कष्टों से अपने आप को बचा सकता है। संसार का अर्थ है मैथुन सुख का आनंद उठाना, यानी मैथुना देख मेरी सुखम। यदि मनुष्य को मैथुन जीवन के बारे में शिक्षा दी जाए और उसे वीर रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो वह संसार के संकट से बच सकता है। ओम अज्ञान विराम तस्य ज्ञान ज्ञान सलाकरा चक्षुर्विराम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य योगिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वप्रकाशं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीपादपद्मं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वमनाथान्वितं तं सखीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सर्वगणगणितासि विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत ज्यादा मैं सामान रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं
एक सामान्य व्यक्ति और सामान्य स्त्री की चर्चा का विषय होता है कई बार, कोई वैष्णवियों के लिए नहीं, और भगवान की पूरी बात बता भी रहे हैं अपने यहाँ। तो अब ये जो प्रसंग चल रहा है, जैसे ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि शिव जी ने भगवान से कहा कि मोहिनी मूर्ति के रिक्वेस्ट पर मोहिनी मूर्ति को दिखाइए, और भगवान ने उनका रिक्वेस्ट मान लिया और उन्होंने दिखाया। और शिव जी जो है वो मोहिनी मूर्ति से आकृष्ट हो गए, और उसके बाद ये स्थिति बनी कि उनके साथ इस तरह से हुआ। अब इसमें ये जो प्रसंग है कि शिव जी क्यों देखना चाहते थे मोहिनी मूर्ति, क्योंकि ये कोई बड़ी बात है, उन्होंने जो है उनके लिए भगवान से मिलना या भगवान से बातें करना बड़ा आसान है, मतलब क्योंकि वो उस लेवल के व्यक्ति हैं। तो फिर उनके मन में एक क्यूरियोसिटी क्यों पैदा हुई कि मैं भगवान मोहिनी मूर्ति को देखूं। तो आचार्य लोग इसके दो कारण बनाते बताते हैं कि एक कि शिव जी ने कहा भगवान से कि मैंने अब तक सारे अवतारों को देख लिया है, आप सारे अवतारों को देखा, कोई भी अवतार छूटा नहीं मेरे से, परंतु इस मोहिनी मूर्ति की अवतार को मैंने देखा नहीं, तो कृपा करके इस अवतार को दिखाइए। और दूसरा, शिव जी इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जिस जो मोहिनी मूर्ति इस मोहिनी मूर्ति से देवता आकृष्ट नहीं हुए, वो मोहिनी मूर्ति से मैं कैसे आकृष्ट हो जाऊं, मैं कैसे मोहित हो जाऊं, संभव नहीं है। क्योंकि जहां भगवान ने जिस मोहिनी मूर्ति को अपने स्वरूप को प्रकट किया था, उस मोहिनी मूर्ति के स्वरूप को प्रकट करने के समय में देवता भी विद्यमान थे और असुर भी, केवल असुर मोहित हुए और देवता मोहित नहीं हुए, तो ये कैसे। और शिव जी क्या है, शिव जी की स्थिति क्या है, देवताओं से ये चीप है, मतलब देवताओं में मुख्य है, सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने लगा जब वो आकृष्ट नहीं हुए तो मैं कैसे आकृष्ट हो जाऊंगा, वो आकृष्ट हुए नहीं तो मैं कैसे आकृष्ट हो जाऊंगा, सवाल ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पार्वती को बिठाया, पुत्रों को बिठाया, साथ में सारे ग्रंथ को ले लिए, और ये एक उत्सुकता बस जो है देखने गए कैसे देखेंगे भगवान की मोहिनी मूर्ति कैसे होगी। लेकिन भगवान कुछ भी हिंस कभी नहीं करते, जो मर्जी हुआ करते, मोहिनी मूर्ति भी ऐसी नहीं बन रही कि कुछ भी कर देंगे भगवान, उनके हर चीज के पीछे निश्चित रूप से बहुत सारे कारण होते हैं, और मोहिनी मूर्ति का अवतार लेने के पीछे भी कारण है, जो कि मैंने स्पष्ट भी किया। किसी भी तरह से भगवान के कोई भी कार्य जो है, इवन आप देखें कि इस भौतिक जगत में कोई मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता, करता है कोई नहीं करता, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो बिना उपलब्ध है, प्रयोजन को कारण कोई उद्देश्य ना हो, कोई प्रयोजन ना हो, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होता। तो भगवान का क्या कहने की, वो क्यों प्रवृत्त होंगे कि मोहिनी मूर्ति का रूप बना दिया। अटपटा सा था भगवान, सिद्धि ने जब रिक्वेस्ट किया कि मोहिनी मूर्ति मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने यहाँ कोई प्ले किया और किसी प्रभु कोई प्रभु ने यहाँ स्त्री का रूप धारण किया, बाद में कोई आश्रम में या मंदिर में गए बताओ भाई आप दोबारा बनो प्रभु जी, तो कितना एम्बैरेसिंग है उस व्यक्ति के लिए, कि क्या है वो जो था वहाँ गुणाकारक सिस्टम था कर लिया जो हो गया। अब शिव जी भगवान को कह रहे मोहिनी मूर्ति दिखाई, भगवान के दो भाव एक साथ भगवान के चेहरे पर प्रकट हुए, भगवान बहुत गंभीर थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो भगवान ने उनको मना किया, मत देखिए ठीक नहीं है। कई बार हमारी प्रियोसी की जो है जो उत्सुकता है वो हमें कहाँ तक ले जाती है कोई समझ नहीं आएगा, कई बार हमें भक्तों को भी क्यूरियोसिटी होती है, देख तो देख क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई आपको इससे लेना नहीं देना नहीं, पता तो करे क्या हुआ, बात क्या थी,
ऐसे मार करने में सीख किधर सीखी थी आपकी नींद अच्छा देखिए भगवान आपकी एक्सटर्नल एनर्जी कैसे होती है तो देखने के चक्कर में 10 अरब वर्ष तक जो है वो टॉस खाते रहे उस क्या बोलते हैं को उसमें प्रलय जल में वो टॉस खाते रहे यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां शिव जी का रीजन राइट है और राइट रीजन होते हुए सफर करना पड़ा शायद उत्सुकता थी कि मैं देखूं कैसा होता है भगवान का फॉर्म सारे तो देख लिए और क्या है कि अभी था क्या था कि लक्ष्मी भी नहीं नहीं आई थी दुल्हन अभी समुद्र मंथन हुआ लक्ष्मी भी आई थी जरा भगवान से मिलेंगे लक्ष्मी जी को भी देखेंगे और जरा मोहिनी मूर्ति को भी देखेंगे ये जो उत्सुकता जो है क्या होती स्तर पर ले आया कि उनके ही भक्त उनके ही लोग उनके ही सामने उनके क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई निश्चित रूप से शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ग्रेट पर्सनैलिटी बट भगवान के अलावा इस भौतिक जगत में कोई बचा नहीं है न बचेगा वो बचेगा जो भगवान की शरण लेगा ये भगवान इस बात को खुद ही बचाते हैं इससे और इस हालांकि ये दिव्य स्तर पर हुआ एक लीला थी तो हम इसको यूं ही समझ के ठीक है लीला थी क्या हुआ भगवान ने लीला दिखाया ना लेकिन हर लीला में हर पास्ट टाइम के पीछे कुछ न कुछ संदेश होता है जो भगवान जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जी के लिए हम सबके लिए तो और शिव जी के लिए ये देखना बड़ा आसान था उनके लगा कि मैं मुझे कोई माया आकर्षित कर नहीं सकती क्योंकि इससे पहले वो एक माया को डिफीट कर चुके थे वो कामदेव को भस्म कर चुके थे इससे पहले क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी जो है उस माया को स्वामी है उन्हीं की पत्नी एक्सटर्नल एनर्जी है तो उनको लगा उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इस तरह से उन्होंने डिफीट कर भी दिया था कामदेव को पर यहाँ इंटरनल एनर्जी को नहीं चेक कर पाओगे भगवान की अंतरंगा शक्ति को कैसे चेक कर पाएंगे नारद जी के साथ भी नहीं हुआ नारद जी ने एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा प्रायोजित उस माया को डिफीट तो कर दिया मैं मुझे इतना जान गया मैंने कामदेव को जीत दिया और हालांकि वो जहां नारद जी ने तपस्या की थी वह स्थान बहुत पायस था नर नारायण ऋषि उस स्थान पर तपस्या करी थी पहले फिर शिव जी ने तपस्या करी स्थान पर उसी स्थान पर नारद जी ने तपस्या करी तो उस स्थान का भी प्रभाव था कि नारद जी उन चीजों से बच गए कि उनको आकर्षित नहीं हुए और तभी जब उन्होंने शिव जी को ये बात इस सारी बातें बताई तो शिव जी ने उनको सलाह दी कि आप अपने प्रभु को मत बताइएगा मुझे तो बता दिया तो कोई बात नहीं अपने प्रभु को मत बताइएगा तो नाथ जी को सुनता कैसे कैसे और उन्होंने बता भी दिया और हम इसका पिछले कई दिनों से सुनते भी आ रहे हैं कि किस तरह से जो है नाथ जी भी लड़ जाते हैं मोहित हो जाते तो इंटरनल जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसको कैसे रोक पाएगा के? उसके प्रभाव से कैसे बचेगा के? केवल भगवान विष्णु या भगवान स्वयं ही के अलावा कोई नहीं बच सकता उनकी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से ये एक बात स्थापित करना था कि किसी भी तरह से आप भगवान की अंतरंगा शक्ति से बच नहीं सकते तो इसमें जो है हम देखते हैं कि पूरे महाजनों में स्वयंभू नारद शंभू जैसे मोहन भट्ट जी बता रहे थे एक लाइन लग गया स्वयंभू नारद और शंभू जो कि बड़े बड़े जो है वो महाजन है हर जगह उनके साथ भी हुआ इस तरह की घटना हो सकती प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्सीडेंट का खतरा जो है हाईवे पे भी होता है रॉयल रोड पे भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है ऐसा नहीं कि आप जो है वो नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो आप स्टेडिंग छोड़ देते हैं इन्हें बस्टरी पकड़ने की जरूरत नहीं नेशनल हाईवे पे आ नहीं वहां भी सावधानी रखने की जरूरत है और यही इस बात को यहाँ पर बताया गया हालांकि ये एक बताने का मतलब यह है कि कितने बड़े पर्सनैलिटी हैं और किस तरह से उन्होंने जो है हालांकि
शिवजी की ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको हम गुण कह सकते हैं, उन्होंने भगवान के इससे भगवान से भी अपनी इस डिफीट को दूसरे रूप में लिया। श्री राधा राधा भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गणपति सुदामन की, ये अट्रैक्शन जो इस स्त्रियों के प्रति है उसमें व्यक्ति अपनी पोजिशन भूल जाता है, अपनी पवित्रता खत्म कर देता है, अपना ट्रूथफुलनेस भूल जाता है, सब कुछ का रिस्क उठा देता है, कुछ भी जो है उसके साथ ये हो सकता है। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में ही बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर के साथ ऐसा हो चुका है कि व्यक्ति अपनी पोजिशन को भूल जाता है कि इसको क्या करना है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया है, श्लोक चैप्टर नंबर 115 और वर्ष नंबर 67, अर्थात तुलानाम न सुवेत न बंधु कामा तुलानाम न भयम न लज्जा चिंता तुलानाम न सुखम न निद्रा छुरा तुलानाम न बलो न तेजा। इसमें मेन है कि कामातुर व्यक्ति को न भय होता है न शर्म आती है, उसको डर भी नहीं लगता, उसको शर्म भी नहीं आती। व्यक्ति बहुत कामातुर हो जाता है तो बेशर्म हो जाता है। आप देखिए इस स्थिति में आप शिव जी की स्थिति का तुलना करो जो प्रभुपाद अपने पर्पट में लिखते हैं कि शिव जी की इस परिस्थिति की वही मुझे एक सामान्य व्यक्ति की होती है। तो पीछे भागे और वो ऐसी ऐसी जगह पर जहां उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स थे, बड़े बड़े ऋषि, तो कोई जब शर्म और लाज सब हट गया। और हम देखते हैं इसी तरह से जो भय भी नहीं होता कामातुर व्यक्ति को, जैसे हम दूसरे प्रसंग में देखते हैं महाराज दंड, महाराज दंड इक्ष्वाकु के पुत्र थे जिनके नाम पर यह दंड का अरण्य है। और अगर आपने दंड का अरण्य का नाम सुना होगा तो दंड का अरण्य महाराज दंड के नाम पर है, महाराज दंड महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। और एक दिन चक्रवर्ती सम्राट थे, एक दिन घूमते हुए जब उस दंडकारण्य के अंदर उस इलाके में घूम रहे थे तो उनकी नजर जो है शुक्राचार्य की पुत्री पर पड़ी। शुक्राचार्य की दो बेटियां थी ओजसा और देवयानी, हम देवयानी की कथा यहाँ पढ़ते हैं, पर ओजसा उससे बड़ी थी। तो ओजसा भी बहुत सुंदर थी और जब गुस्सा पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे इसको प्रपोज कर दिया। तो गुस्सा ने कहा कि मैं जो ब्राह्मण की बेटी हूं और तुम क्षत्रिय व्यक्ति हो, इसीलिए संभव नहीं है, क्योंकि उस समय में हर व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करता था, इसलिए इस बात को आप सोचो भी मत। लेकिन महाराज दंड इतने मतलब आतुर हो गए गुस्सा को देखकर, उन्होंने कहा नहीं हम और भरता से तर्क दिए महाराज दंड ने, बल्कि ओसा ने सारे तर्क काट दिए, कहा ठीक नहीं है। फिर भी जब लास्ट में नहीं माने तो ओसा ने कहा ठीक है आप मेरे फादर से बात करें। तो महाराज दंड ने कहा कि तुम्हारे फादर तो मानेंगे नहीं। तो वो घर जाने लगी लेकिन महाराज दंड ने उसको पकड़ लिया। अगर तो निर्भय हो गए, जबकि उनको मालूम था शुक्राचार्य की साधारण व्यक्ति नहीं है और एक ब्राह्मण की बेटी है। परिणाम क्या हुआ, जो भी शुक्राचार्य को साथ दे दिया, बाद में घटना हुई वो आश्रम पर जाती है और शुक्राचार्य को सब पता लग जाता है, तो उनका 7 दिन के अंदर उनके राज का नाश हो जाता है और वही दंडकारण्य बनता है, उनका राज ही बाद में दंडकारण्य बन जाता है। तो महाराज दंड के साथ हम देते हैं महाराज मनुष्य, महाराज मनुष्य चंद्रवंशी आ जाते हैं और उनको कुछ दिनों के लिए, क्योंकि देवराज इंद्र के ने बृहस्पति के विरुद्ध जो आपको अपराध किया था तो उनको वहां सिंहासन छोड़ना पड़ा। महाराज मनुष्य को पृथ्वी लोक से बुला करके उसका राजा बनाया गया स्वर्ग लोक का। पर महाराज मनुष्य स्वर्ग का राज करते करते उनको जब उन्होंने उनको शशि को देखा तो उनको लगा कि मैं इसको भी भोग सकता, और सची ने उनको पुत्र कह के संबोधित किया, पुत्र बोल के संबोधित किया कि आप मेरे पुत्र हो, आप
चिंता नहीं थी। इस तरह से व्यक्ति पीड़ित थे कि बिल्कुल चिंता नहीं हुई, भय नहीं हुआ बिल्कुल भी कि क्या होगा ऐसा पढ़ना। क्या किया उन्होंने, कहा कि सात ऋषियों को एक पालकी बना के अगर आप मेरे पास आओ उसके ऊपर चढ़ के तो मैं आपकी हो जाऊंगी। कितना खतरनाक था मनमोहनता अवतार में सप्त ऋषियों को भगवान अपॉइंट करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया का संचालन करने के देवताओं के साथ। उन सप्त ऋषियों को महाराज नहुष ने आदेश दिया कि आप मेरे जो है पालकी उठाएंगे। वो देखिए कि वो पालकी उठा रहे, उसमें एक दुर्वासा मुनि भी थे, बाकी जो सब एक से एक दुर्वासा भी थे। तो उन्होंने कहा कि चलो, तो धीरे धीरे चलते पति सब सब अरे तुम तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, तुम्हें चलने का मुनि है सब की तरह आराम आराम से चल रहे हो। और ये सुनकर जो सब ऋषि थे उन्होंने कभी कहा कोई होया था किसी को ये किसी को उठा के ले गए और उनको इसका अनुभव हो दुर्वासा जो है उन्होंने श्राप दे दिया। तो हमें सब बोलता है जा तू इसी टाइम अजगर बन जा, और उसी टाइम वो वहां से गिरे और अजगर बन गए। ऐसे बहुत सारी जो है हम देखते हैं उसमें महाराज पूर्वा क्या महाराज पूर्वा की हम ऐसी आगे स्कंद में जा रहे हैं नौवें महाराज पूर्वा की कथा आएगी। क्या सम्राट है व्यक्ति और उर्वशी के प्रेम के वश में महाराज पूर्वा एकदम खत्म हो गया। इतना बड़ा क्योंकि कह रहा था कि जितने भी जहां पर भी ये प्रसंग आया है और जिस तरह से ये प्रसंग है तो हर जगह आप हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को चेक नहीं कर पाता। तो इसलिए स्थिति उत्पन्न होने से पहले व्यक्ति को रोक लेना चाहिए, स्थिति उत्पन्न होने के बाद हम अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे। वो स्थिति उत्पन्न ना हो हमें वो पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद बड़े बड़े में ये शक्ति नहीं है तो अपने आप को रोक पाएगा अपने आप को चेक कर पाएगा। तो जैसे शिव जी ने स्थिति उत्पन्न होने दी जान उसको उन्होंने स्थिति को उत्पन्न करवाया, तो भगत भगवान ने उनको मना भी किया। प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार स्त्रियों के साथ शिष्टाचार पूर्वक वार्तालाप करने से कोई व्यक्ति यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो जाता। हम बहुत शिष्टाचार पूर्वक बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें यौन आकर्षण से मुक्त हो चुका। प्रभुपाद के नौवें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य के पहले ही लाइन में ये बात लिखते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये भी समझना चाहिए कि मैं बड़ा शिष्टाचार से बात करता हूं तो मैं इसमें से मुक्त हो गया। कोई बहुत अच्छा भौतिक ज्ञान रखता है, कोई बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान रखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्त्रियों के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। कि बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति जैसे कल कथा सुना रहे प्रभु जी कि वो जो वो थे जामिनी ऋषि थे, वो जामिनी ऋषि ने लोगों के साथ क्या हुआ, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे, उन्होंने व्यासदेव की बातों को काट दिया। ये बलवान इंद्रिय ज्ञानम विद्वानम अपि आकर्षति, कहा संभव नहीं है बलवान इंद्रिय ज्ञानम विद्वानम अपि कथम आकर्षति, विद्वान को कैसे आकर्षित करेगा। और दोनों व्यासदेव ने ये बात उनको साबित कर दिया कि विद्वान क्या तो क्या बड़े बड़े कोई भी व्यक्ति जो है परिस्थिति उत्पन्न होने पर कोई अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने स्त्री का जो शरीर बनाया है और स्त्री को जो इस बॉडी जगत में क्रिएट किया है वो व्यक्ति के जो जो पुरुष रूप में जो जीव है उसको आकृष्ट करने के लिए, उसका उसका सृष्टि भी इसीलिए हुआ। तो हम ये कहेंगे कि वो सृष्टि से मैं प्रभावित नहीं होगा या संभव है, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि है। कि और एक बात जो और बहुत इम्पोर्टेंट है, हम देखते हैं कि भगवान का संबंध शिव जी से कितना प्रगाढ़ है, कितना सुंदर है। हमें इस रूप में इसको नहीं देखा, हमें इस रूप में भी देखना चाहिए। आप किसी को रिक्वेस्ट करो आप आपकी बात मान ले तो कितनी बड़ी बात है कि आपने कहा उन्होंने इस बात को मान लिया।
भगवान है, सिद्धि ने रिक्वेस्ट किया, सिद्धि ने प्रार्थना की और भगवान मान गए, ठीक है, मना किया पर मान गए, ठीक है आप चाहते हो तो कोई बात नहीं, देख लो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि शिव जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हम एक फंडा ये भी देखते हैं कि शिव जी अपने स्पिरिचुअल मास्टर, जो भगवान स्वयं उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनकी बात को क्या भेदना करती। जब हम अपने गुरु की बातों की अवहेलना करेंगे या गुरु से हटकर कोई काम करने का प्रयास करेंगे या गुरु की बातों को अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी संकट में पड़ेंगे। और ये हम सब से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि हम अपने इमीडिएट अथॉरिटी, खास करके स्पिरिचुअल अथॉरिटी की अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम देखते हैं उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो निश्चित रूप से जो है ये बहुत खतरनाक है, भगवान मना कर रहे थे कि आप मत देखिए, शिव जी ने इंसिस्ट करने दिखाई। तो शिव जी ने एक तरह से उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी भगवान इतने प्रेम से उनको ठीक है, आप देखना चाहते हैं कोई बात नहीं। इसी तरह से जब मार्कंडेय ने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी एक्सटर्नल एनर्जी के प्रभाव को देखना चाहता हूं, तो भगवान ने मना किया, नहीं ये ठीक नहीं, आप मत देखिए इसको। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, भगवान ने कहा ठीक है। देवता क्यों जो है उस मोहिनी मूर्ति से प्रभावित नहीं हुए हैं? क्योंकि देवताओं की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे। तो इसी स्कंद के आठवें अध्याय के श्लोक संख्या अप्रोक्सिमेट 37 में भगवान उनको आश्वासन देते हैं, क्या दुखी मत होइए, या आपको ये अमृत भी मिलेगा और आपकी सुरक्षा भी होगी। भगवान ने जब बोल दिया कि जब होगा तो भगवान ने उनको सुरक्षित कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि देवता उस मोहिनी मूर्ति से बच जाते। शिव जी को शायद ऐसा ही लगा कि देवता जब मोहित नहीं हुए तो मैं कैसे मोहित हो जाऊं। तो एक ये भी जो है क्यूरियोसिटी व्यक्ति के अंदर कि ठीक है एक बार देखने में क्या होता है, कुछ कुछ नहीं होता। तो और ये जो भाव है अंदर, ये ईश्वर चेतना को खत्म कर देता है, ये कामुकता का भाव जो है, ये काम जो है नष्ट, हमारे अंदर ईश्वर की चेतना, हमारे नॉलेज, हमारे शुद्धिकरण, हमारा सत्यता सबको खत्म कर देता है। क्योंकि विषय में जब तक इसकी गूंज रहेगी, विषय की गूंज जब तक इस चित्त में रहेगी तब तक हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे, न भगवान को भी देख पाएंगे। कोई भी गूंज अगर विषय छोटी सी छोटी गूंज अगर इसके अंदर में आवाज रहेगी, ये खाने की, देखने की, छूने की, तो भगवान हमसे बहुत दूर रहेंगे। तो हम भगवान तब तक समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिसने भी भगवान की शरण ले रखी है उसकी रक्षा भगवान जरूर करती है। नामाचार्य दास ठाकुर स्वयं माया देवी टेस्ट करने आए उनको, पर नामाचार्य बच गए और उन्होंने उनको जो है भक्त बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का आश्रय ले रखा था। नाम का आश्रय का मतलब भगवान का आश्रय। तो जिसने भी भगवान का आश्रय ले रखा है उस व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति जो है वो बच सकता है। परम पुराण में बताया गया है कि भगवान उस कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में केवल एक व्यक्ति स्त्री के चारुकारिता करने से, मिलियन सर्वेंट होने से बच सकता है, और वो है भगवान का भक्त। और किसी में इस ताकत नहीं और किसी में हिम्मत नहीं कि वो भक्त को, इस भगवान की इस माया को उलट दे, उस माया से प्रभावित हो। केवल और केवल एक भक्त जो है भगवान के भक्तों में शक्ति हो सकती है। तो हम इस कर्म पुराण में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के वचन देते हैं कि जो मेरे नाम का कीर्तन करता है, हमेशा कीर्तन करता है, वो व्यक्ति हमेशा बचा रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी, हर परिस्थिति में व्यक्ति बचा रहेगा। इसी तरह से बताते हैं कि जो प्रभुपाद ने विस्तार में लिखे हैं कि ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी का जब पालन करता है
केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र उसकी आदि भक्ति हो जाए। और ये केवल हर जगह पर जो है इसको बताया गया है, केवल एक जगह पर नहीं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग इसमें ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई। इतना पावर है, कोई व्यक्ति 12 साल तक अगर ऐसी ब्रह्मचर्य का पालन कर ले में आता है तो उसकी बात सिद्धि हो जाती है। अगर उसका किसी भी तरह से भी स्खलित ना हो तो उसकी बात सिद्धि हो जाती है, जो बोलेगा वो हो जाएगा। ये अपने आप कुछ नहीं करना, उसने जप नहीं करना, कुछ नहीं करना, परंतु केवल इतना पावर है ब्रह्मचर्य में कि व्यक्ति की वाक सिद्धि हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य रहना कितना बड़ा ट्रबल फ्री है, सबसे बड़ी बात है, संसार झंझटों से मुक्ति है, कोई समस्या नहीं, समस्या रही है ब्रह्मचर्य जीवन। क्योंकि ये लेकिन उसमें कहा गया कि व्रत तोड़ने वाला ब्रह्मचारी अपने आश्रम का कलंक है, इसको ब्रह्मचारी का व्रत कभी टूटना नहीं चाहिए, उसका ये उसका एकमात्र फोकस होना चाहिए। व्रत तोड़ने वाला ब्रह्मचारी, काम न करने वाला गृहस्थ, घर में रहने वाला वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलु सन्यासी अपने अपने आश्रम का कलंक है। तो उसका एकमात्र जो है फोकस होना चाहिए कि मेरा ब्रह्मचारी व्रत कैसे बचे, क्योंकि तो उसका सारा जीवन किसके लिए है, गुरु के लिए, अपने लिए नहीं है। वैसे बाहर है व्यक्ति, केवल अपने मन माइंड की वजह से फंसा हुआ, अदरवाइज ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति बाहर है। तो ये गोपाल बता रहे कि कोई ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग ले और उसको फॉलो करे तो उसका ट्रबल फ्री लाइफ हो जाएगा और उसके लिए भगवान को प्राप्त करना बड़ा आसान है और कुछ मेटेरियल एग्जिस्टेंस के खतरों से अपने आप को बचा सकता है। इस भौतिक जीवन में जो खतरे हैं उससे अपने आप को हमेशा बता सकता है। क्यों इसमें हालांकि हम देखते हैं कि एक और जो उदाहरण मिलता है कि जैसे शिव जी ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर और सॉरी भगवान के बातों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया, इसी तरह से हम देखते हैं ऋषि श्रृंग ने, ऋषि श्रृंग रोमपाल महाराज के दामाद थे। रोमपाल की जो बेटी थी शांता, एक्चुअल में दशरथ की बेटी थी शांता, जिसे उन्होंने रोमपाल महाराज को दे दिया था और रोमपाल महाराज ने उस शांता का विवाह किससे कराया, ऋषि श्रृंग से, ऋषि श्रृंग नाम था उनका। तो ऋषि श्रृंग बहुत पावरफुल ब्रह्मचारी थे, बहुत पावरफुल, उन्होंने स्त्री के दर्शन भी नहीं किया, मतलब स्त्री को देखते ही नहीं थे, देखा ही नहीं था कभी स्त्री को। एक बार देखा तो अजीब वाली प्रश्न पूछा उन्होंने, तो उनके फादर ने उनको जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर भी थे कहा कि आपको घर नहीं आना है, बात नहीं करनी है। पर रोमपाल महाराज ने अपने राज्य से कुछ वेश्याओं को भेजा था कि किसी तरह से ऋषि श्रृंग को जो है वहां से खींच के ले आओ, क्योंकि वो उनके राज्य में आकार पड़ा हुआ था और उन्हें किसी ने बताया कि अगर ऋषि श्रृंग यहाँ आते हैं आपके राज्य में चरण डालेंगे तो निश्चित रूप से इस राज में वर्षा होगी। तो इस स्त्री को लाने का कोई तरीका नहीं था, उन्होंने जो है वेश्याओं को भेजना शुरू किया, कुछ स्त्रियों को भेजना शुरू किया, तो कई बार जाकर के भी वेश्याएं सफल नहीं हुई। और उन घर वालों क्या करते थे, अपने पिता को जो कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर को बता देते थे बात, और जब उनको कई बार सफलता नहीं मिली तो राजा ने उनको बोला उसी तरह से वो व्यक्ति अपने पिता से शिक्षा न ले पाए, तुम ऐसी व्यवस्था कर। और यही हुआ, जो स्त्रियां गई थी उन्होंने कहा कि तुम पिता को मत बताओ ऐसा कुछ, मत बताना, मत उनसे पूछना, कल यहाँ पर आ जाना दोबारा से। और फिर वही हुआ, उन्होंने अपने पिता को नहीं बताया, पिता से छुपाया और पिता ने कहा था कि मत जाना उधर, सुपाटा का उल्लंघन किया तो क्या स्त्री दोबारा जो है हस्ताक्षर में आ गए। हम देखते हैं कि किस तरह से आपको हिमाया, हालांकि अब ये भगवान की इच्छा है मान लीजिए हम इसको बोल सकते हैं, पर फिर भी हर चीज के पीछे एक एक मैसेज है जो हमें समझना चाहिए। तो भगवान की उसमें जो है स्त्री जो है अपने पोजीशन से गिर गए, हालांकि बाद में उन्होंने
जो दशरथ महाराज ने यज्ञ किया उस यज्ञ में भी उन्होंने जो है यज्ञ का पुत्र पुत्रेष्टि एक शायद उन्होंने ही कराया था किसी हम उन्होंने ही कराया जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तो कहने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा में फेद और गुरु के प्रोटेक्शन में अगर जब तक कोई व्यक्ति है उसके ब्रह्मचर्य को कोई खतरा नहीं और व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर भक्ति कर सकता है और जैसे ही प्रोटेक्शन से बाहर निकलने का प्रयास करेगा वो खतरे में आ जाएगा। फ्रीलांस जर्नलिस्ट नहीं बनना है न फ्रीलांस भक्त, कोई मेरे ऊपर नहीं है न फ्रीलांस भक्त हूँ जो भी कुछ कर सकता हूँ। और आसान भी होता है चलिए फ्रीलांस तपस्या करना भी आसान होता है हमारे ऊपर कोई नहीं दाढ़ी बढ़ा देंगे या वृंदावन जाकर रहने लग जाएंगे कुछ भी करेंगे तो अपनी मर्जी से तपस्या करना बहुत आसान होता है पर गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। गुरु की इंस्ट्रक्शन जिसने जो गुरु ने जो कहा है वही तपस्या करना आसान नहीं है और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर में रहकर तपस्या करना जो है वो एक्चुअल में भक्त तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी बच सकता है इन चीजों से। एक और जो चीज है जो शिव जी के लिए अब जैसे शिव जी वहाँ भगवान को धन्यवाद करते हैं इसके लिए ये नहीं करते बेइज्जती करवा दिया आपने आपको तो पता था क्यों नहीं बचाया कि मेरी सब मेरे सारे लोगों के पास लेके चले गए वो क्या गुणगान करते हैं कि हाउ पावरफुल इज माय स्पिरिचुअल मास्टर मेरे प्रभु कितने पावरफुल हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने इस स्त्री के चक्कर में फंसा दिया। वांछ वांछा मोघा वर्णमधु में नाद में लते कामा किसी बड़े व्यक्ति से अगर हम कोई याचना करें और पूरी नहीं होती है और व्यक्ति हमारी भर्सना भी कर देता है तो वो उसमें कोई हमारी हानि नहीं है। ये धर्मशास्त्र का एक लाइन है उसमें कह रहे हैं लेकिन अधम व्यक्ति से कोई काम आपका पूरा भी हो जाता है बोलने पर तो वो ठीक नहीं है किसी भी तरह से पर अपने से सुपीरियर से अगर चेस्टाइजमेंट भी मिले या ना भी उस काम बने या हमें याचना भी करना पड़े तो उसमें हमारी भलाई है और उसमें हमारा बर्फन है और ये सीधी यहाँ दिखा रहा है। इतना ऐसे कि नाम के प्रति उठा रहे थे उस दिन कि जली
का से देख लें, ये देखना किस लिए? जिसने हमारा कोई मतलब नहीं, जैसे शिव जी का कोई मतलब नहीं था कोई मूर्ति से, क्यों आए इस अफेयर में? किसी ने जो हो गया शांत हो गया, खत्म हो गया, चलो देख लेते हैं, पता कर लेते, क्यों पता कर लेते? हमारी कैसे की होती है? आपको कोई मतलब नहीं, आपको देना नहीं, देना नहीं, कुछ डिपार्टमेंट का काम है, हमारा तो लेना नहीं, देना नहीं। भाई तो बता दो क्या हो गया, बता नहीं, बहुत बड़ा बताओ, मुझे बताने में क्या फर्क पड़ता है? और बताने में ये फर्क पड़ता है कि हमारे हमारे साथ ये हो गया। कुछ ऐसी चीज तो थी जो सीता जी को राम से अधिक आकर्षक लगी, और राम से आकर्षक किसी को नहीं मानती, कोई उनके जीवन में कोई भी नहीं था जो राम से ज्यादा आकर्षक हो, कुछ भी नहीं, पहले छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कष्ट कर दिया, लेकिन यहां कोई ऐसी चीज तो थी जो राम से ज्यादा आकर्षक लगी, सुनने का मिल गया, मुझे ला दीजिए। भगवान कह रहे हैं, अथॉरिटी कह रहा है, वही व्यक्ति कह रहे हैं कि सोने का मिल नहीं होता है। तो ये जो देखने की इच्छा है शिव जी का, देखने की इच्छा सीता जी का, मेरे देखने की इच्छा मार्कंडेय जी का, मेरे देखने की इच्छा, मेरी क्यूरियोसिटी कि मैं देखने का पता करने का समझने कैसे होता है। तो मान लीजिए तो अथॉरिटी कह रही है कैसे है, तो मान लीजिए हमें सारी बातों को देखना नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। मान लो कोई किसी रास्ते से गया, आप कह रहा आप उसी रास्ते में खड़े हैं, मान जाए रास्ता ठीक नहीं, नहीं होते क्यों? अब देखो तो फिर आप खड़े में जाओ। तो यही जो है इसमें भी यही है, सीता जी की हिसाब भी यही हुआ, क्यूरियोसिटी। तो किसी रूप से हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो बचाया कौन? भगवान का चिंतन। जैसे शिव जी जो है हमेशा बचे रहते हैं, माया देवी के साथ रहते हैं, माया देवी के साथ रहती है एक्सटर्नल एनर्जी, पर शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। क्यों नहीं डाल पाती? भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं, कॉन्स्टेंट भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। जो भगवान के चिंतन में लगा है उसको माया देवी का प्रभाव लगी नहीं, कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि भगवान माया देवी के साथ हमेशा रहते हैं। तो हमारे लिए भी अगर हमारा हमारा जब हमारा श्रवण ये रिमेम्बरिंग और स्मरण को यार नहीं करवाता, स्मरण तक नहीं पहुंचता है, तो फिर वो हमारा श्रवण और कीर्तन बिल्कुल बेकार है, या हमारा श्रवण और कीर्तन उस बांस गाय के समान है जो न बच्चा देती है और न दूध देती है। तो श्रवण और कीर्तन का एक ही मतलब है कि उसको स्मरण स्मरण होना चाहिए भगवान का चिंतन, क्योंकि अगले स्टेप पे जाएगा ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण, स्मरण होना चाहिए, ये अगला वाला स्टेप है। तो हालांकि स्मरण पुराण में आता है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति माया से उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर उसके जीवा पर जो है मेरा नाम है। किसी को जो है माया से डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से, और पद्म पुराण में भी इसी तरह का वर्णन आया। तो अच्छा यह है कि हर मामले में जो है जाकर के नाम ना रहा है, चलो देख लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, रिपोर्ट की आदत होती है, पता कर लेते हैं। एक ये मैसेज है, जैसे जी चले गए देखने के लिए, पूछने के लिए, तो हम जैसे हम सब की बोटियों में कुछ ना कुछ होता है, ऐसे चलो जरा पता तो कर ले क्या होगा मंदिर में, जरा पता कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं हुआ, आपको कोई मतलब नहीं है, फिर पता कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक मैसेज है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि डिवोटी क्यों मिलता है, डिवोटी का फॉल डाउन क्यों होता है, प्रभुपाद तीन कारण बताते हैं डिवोटी के फॉल डाउन में। कहते हैं कि वैष्णव ऑफेंस करता है, अपराध करता है, दूसरा अपनी साधना को नेग्लेक्ट करता है, और तीसरा कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा तो कह रहा है ये तीन कारण होते हैं जो है मिलने के। तो फिर तुरंत एक बात में पूछता से पूछा प्रभुपाद कैसे पता लगेगा, भाई वैष्णव ऑफेंस की वजह से गिर रहा हूँ, ये साधना नेग्लेक्ट हो रहा है, या कृष्ण की इच्छा से गिर रहा हूँ, कैसे पता लगेगा? तो प्रभुपाद ने कहा को तो केवल मैं बता सकता हूँ, और कोई नहीं बता सकता, एक ओनली स्पिरिचुअल मास्टर कैन टेल यू। हाँ, क्योंकि तुम किस वजह से गिर रहे हो, तुम्हारे गिरने का कारण क्या है,
जो समझने की है कि हमें कई बार कई काफी सारी चीजें हैं ऐसी होती हैं मान लीजिए मंदिर में या कहीं पर भी रिमोटी कम्युनिटी में, तो हमें बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए उसको जानने के और देखने के लिए। उससे हम क्या है अपने ऊपर हम और जो है वो इससे हम अपनी गंदगी लेके आ रहे हैं, इसके बचने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि किसी की गंदगी की का चर्चा करना भी जो है वो बहुत निंदनीय है। एक मैं पतन कहा गया था निकला हुआ था एक लाइन वहां पर कि निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। तो ना लिखा था कहीं कहीं पर लिखा था वृंदावन में कहीं पर कि निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है। मेरे पास निंदा करने वाले की निंदा करना भी निंदनीय है कि नहीं करना है, क्यों करना है, बात नहीं करती। हम जब भी बातें करते हैं किसी भक्त की प्रशंसा के अलावा अगर किसी की कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उस व्यक्ति के प्रति उस वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है और हमारी जो स्वीकृति है वो खत्म हो जाती है। खतरा हमेशा बना रहता है ऑलवेज। इसीलिए केवल जब प्रशंसा ना करनी हो चर्चा भाव ना हो तो चर्चा नहीं करनी, किसी तरह से चर्चा मत करें। क्यों चर्चा करें किसी, ये आईज आंखें अब्यूज करने के लिए नहीं बनी है। कुछ भी देख लेंगे, चलो देख लेते हैं सिटी ने, चलो देख लेते हैं मोहिनी मूर्ति को, आंखें अब्यूज काम को अब्यूज करने के लिए नहीं है। कुछ भी सुन लिया क्या फर्क पड़ता है, सुना उस प्रभु ने क्या किया, निश्चित ये अब्यूज करने के लिए नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं है कि काम उसी तरह की बातें सुन, इंद्रियां अब्यूज करने के लिए नहीं है। ये सारी चीजें भगवान की सेवा की है और भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और भगवान की सेवा से इधर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो इसी तरह से खतरे में पड़ेंगे जैसे यहाँ दिखाया गया इस प्रसंग। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंद की जय, हरे कृष्ण।